येस हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग तो गाइज मेरा नाम है कीर्ट पांडे और आप देख रहे हैं दी करंट अफेयर्स क्लास तो आज का बेसिकली एजेंडा क्या है कि कल हमने जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया तो जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में या नवम्बर में है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का एग्ज़ाम अक्टूबर और नवम्बर में है तो उनको जनवरी से रिलेटेड कोई भी समस्या ना आए यानी कि जनवरी में उनको ऐसा ना लगे कि कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आएगा और डिस्कशन नहीं हुआ या हमने रिविजन नहीं किया तो ये प्रॉब्लम आपको ना हो और आज हम क्या करने वाले हैं कि फेबररी के सारे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली दिवाली के पहले हम इस साल यानी कि 2022 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे राइट गाइस यस तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सेशन आप जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन का आंसर तो फेबररी के करंट अफेयर्स हैं देखिए पूछा जा रहा है कि किस महीने में यू सुरक्षा और जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है यानी कि यू पी यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स तो आपको बताना है कि यू के लिए जो अवेयरनेस सेफ्टी एंड अवेयरनेस मंथ है वो कौन सा मंथ है तो so, ये है आपका फेबररी फेबररी है ना यस ओके पंकज कुमार सिंह कि एज अ स्टूडेंट ओके वेरी गुड पंकज हाँ बिल्कुल बीपीएससी का अभी भी एग्जाम है रोड वाला उसके लिए भी है और सैनिटरी के लिए भी है पढ़ाई लिखाई करो आई एस वाई एस बनू सही बात है तो ये फेवररी है नेक्स्ट है नेक्स्ट मंथ है कियर एवॉर्ड किस को मिला वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जल्दी से बताइए वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग यस ओके ओके अच्छा हाँ मैं ना एक चीज बोलना भूल जाती हूँ क्या बोलना भूल जाती हूँ बताइएगा सिर्फ से सेशन को लाइक करना होता है चैनल को सब्सक्राइब करना होता है और वीडियो को शेयर करना भी होता है पता है आपको हाँ जी तो ये पीआर श्रीजेश हैं पीआर श्रीजेश केरला के, के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं फुटबॉल खेलते हैं और हमारे ये गोली हैं टी आर श्रीजेश एंटोनियो कोस्टा एंटोनियो कोस्टा फिर से बन गए प्री एलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री इंडिया ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री एंटोनियो कोस्टा देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यानी कि लीडर्स आपसे पूछे जाते हैं कि ये कौन से प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बने हैं अगर जो अलग नए ये पोर्तुगल पोर्तुगल का ही था वास्को डिगामा जो कि सत्रह में है ना सेवनटीन में 1498 को सबसे पहले भारत आने वाला यूरोपी था और यह कहाँ पहुंचा था कैलिकट आया था कैलिकट में इसका स्वागत किसने किया था जैमोडिन ने किया था, था पोर्ट और इनके बाद कौन आया था अल्मेडा आया था अल्मेडा फर्स्ट गवर्नर था और फिर एल्बू आया था एल्बूकर्की जो है रियल फाउंडर था और एल्बू कड़की ने बीजापुर के राजा को हराकर कर गोवा को जीत लिया गोवा को 1510 में जीता और गोवा फिर बाद में जाकर बनता है 1540 के करीब क्या भारत का कैपिटल पोर्तुगल जो है उनके लिए वो कैपिटल बना यस yes. बहुत बढ़िया नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखें कि तीसवा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे बिल्कुल झारखंड के लिए भी है बेटा कभी भी, भी एग्जाम में अलग-अलग करंट अफेयर्स थोड़ी आएगा तुम एसएससी जेई की भी तैयारी कर रहे हो तुम एसएससी सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं करंट अफेयर्स यही आएगा और यही पूछा जाएगा जो यहाँ पे डिस्कस हो रहा है ठीक है चलें नेक्स्ट तो विमेन फाउंडेशन डे देखो विमेन फाउंडेशन डे यानी कि 1992 में विमेन कमीशन बना और 2022 में क्या हुआ 30 साल कंप्लीट हो गए तो फाउंडेशन डे शी द चेंज मेकर है ना शी द शी विल स्ट्रॉन्ग नहीं होता है शी द चेंज मेकर आंसर है इन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है राइट नेक्स्ट इंडिया हु कंट्री इन विच गेम टू विन गोल्ड तो उन्नति हुडा ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत ली क्या बता सकते हैं कि उन्नति हुडा किस गेम से रिलेटेड है इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं श्रुति अग्रवाल किससे रिलेटेड है, किस है रश्मि कुमार किससे रिलेटेड है है ना यस yes. गाइस आप लोग सेशन को लाइक कर देंगे एंड आज का अटेंडेंस बहुत वीक है व्हाट इज द रीजन बैडमिंटन से रिलेटेड है बैडमिंटन से रिलेटेड है उन्नति हुड्डा व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ श्री इकबाल सिंह हु हैज पास अवे रिसेंटली इकबाल सिंह किंगड़ा कौन है जिनका अभी अभी निधन हो गया तो इकबाल सिंह किंगड़ा ये एजुकेशनलिस्ट थे ठीक है तो so, ये एजुकेशन से रिलेटेड थे शिक्षा से रिलेटेड थे एजुकेशनलिस्ट थे उत, इनका नाम था इकबाल सिंह किंगड़ा नेक्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज पांडे हैज रिप्लेस्ड हुम एज द वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गया है मनोज पांडे आपको बताना है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और इन्होंने अभी अभी किसको रिप्लेस किया है इन्होंने रिप्लेस किया चंडी प्रसाद मोहंती को oh, चंडी प्रसाद मोहंती सीपी मोहंती इसके पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं और अब जो न्यू चीफ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इनका नाम है मनोज पांडे नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंडक्ट ऑफ मिक्सिंग हाइड्रोजन इन टू नेचुरल गैस सिस्टम हैज कम अपट तो हाइड्रोजन को नेचुरल गैस में मिलाकर यूज करने की बात की जा रही है आपको पता है कि अभी सी एन जी कंप्रेस नेचुरल गैस ये सब चीजों का बहुत ज्यादा उपयोग हो रहा है तो आप बताइएगा कि ये जो है भारत का पहला अपनी तरह का पहला ये कहाँ पे है ये इंदौर में है कहां पे ये इंदौर में हो रहा तो है नेक्स्ट साइंटिस्ट ऑफ आईआईटी खड़कपुर साइंटिस्ट ऑफ आईआईटी खड़कपुर हैज अ पोर्टेबल डिवाइस टू डिटेक्ट विच डिजीज तो साइंटिस्ट है आईआईटी खड़कपुर के इन्होंने एक डिवाइस बनाया है किस बीमारी के लिए तो ये है ओरल कैंसर ओरल कैंसर को क्योर करने के लिए साइंटिस्ट ऑफ आईआईटी आई खड़गपुर ने एक डिवाइस बनाया है राइट तो डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली कि इफ समवन इज सफ़रिंग फ्रॉम फ्रॉम ओरल कैंसर देन इट बी डिटेक्टेड नेक्स्ट रिसर्चर ऑफ विच कंट्री हैव डिस्कवर्ड अ न्यू टाइप ऑफ कोरोना वायरस एंड दैट इज न्यूकोव. तो किसने न्यू कोव को स्टार्ट किया है कौन से कंट्री ने न्यू को रिसर्च किया है यस एवरी वन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट सेशन इफ यू वॉन्ट टू डिज फेबररी मंथ करेंट अफेयर्स तो दिस इज चाइना चाइना ने न्यूकोव को अभी मतलब न्यूकोव वायरस को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे रिसर्चर ने एक नए टाइप ऑफ कोरोना वायरस न्यूकोव को डिस्कवर किया चाइना चाइना से ही शुरू होती है ना बीमारियां होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर सेहत स्कीम तो सेहत स्कीम शुरू होने वाला है आपको बताना है कि कहाँ से ये होम डिलीवरी होगा सो दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से होम डिलीवरी होगा सेहत स्कीम के तहत मेडिसिन का नेक्स्ट व्हाट इज द थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे ठीक है कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस आते हैं बजट से आते हैं और इकोनॉमिक सर्वे से आते हैं तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है अगर आप नहीं समझते हैं तो इसको एक बार समझ लीजिए कि दो से लेकर और 2022 तक आपके देश में जो कुछ भी हुआ हो चुका है वो हो गया इकोनॉमिक सर्वे ठीक है और 2022 से लेकर 2023 तक जो तो भी आपने एस्टिमेशन लगाया हुआ है जो होने वाला है या जो आप सोच रहे हैं वो हो गया बजट इस बार का है एजाइल अप्रोच यानी कि हम हर एक तबके के लोगों को यहाँ पे अंडरटेक करना चाहते हैं इवन जो सबसे गरीब और सबसे लास्ट है उनको भी फिनेंशियल इंक्लूजन से जोड़ना चाहते हैं यस नेक्स्ट फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क पहला जियोलॉजिकल पार्क विल कम अप इन तो जियोलॉजिकल पार्क सबसे पहला बन रहा है कहाँ तो मध्य प्रदेश में हाइएस्ट नंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंटरप्रेनर्स तो कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट हैं यह आप बताइएगा और ये एंटरप्रेनर्स हैं यानी कि इन्होंने उद्यमी है उद्यमों की संख्या क्या है तो यह है महाराष्ट्र सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट इंटरप्रीनियर महाराष्ट्र में है टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2022 तो चेस के लिए टूर्नामेंट हुआ इसको किसने जीता तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड नंबर वन है और आर प्रज्ञानंद जिनको जिन्होंने बहुत बार हराया है तो किसको हराया है मैग्नस कार्लसन को हराया है होस्वांग बारा होस्वांग बारा ये बताएंगे जल्दी जल्दी बताना है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं होस्वांग 12 एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है और मैं चाहती हूं कि इसका आंसर सबको बता सके है ना तो जल्दी से बताओ होस्वांग सॉन्ग है ना 12 वा सॉन्ग तो हुआ सॉन्ग बारा एक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है और ये किस कंट्री का मिसाइल है गाइस यस वेरी गुड तो दिस इज नॉर्थ कोरिया है ना नॉर्थ कोरिया का मिसाइल है वॉसोंग नेक्स्ट जेमोरा कैस्ट्रो जेमोरा कैस्ट्रो तो या तो शिमोरा कैस्ट्रो बोलो या जेमोरा कैस्ट्रो बोलो तो so ये जो कैस्ट्रो है ये कहाँ की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है हॉन्डोरस कल कल भी बहुत बार बताए थे हॉन्डुरस हॉन्डोरस है ना नॉर्थ कोरिया है साउथ कोरिया नहीं है यस yes. बिग बॉस फिफ्टीन सीजन ट्रॉफी किसने जीता था तो ये बताइए बिग बॉस अभी भी चल रहा है फिफ्टीन किसने जीता हाँ जी हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड मॉर्निंग ऑल्सो देखो क्लास ना आठ बजे शुरू होती है आठ बजे का मतलब होता है कि क्लास आठ बजे ही शुरू होती है आठ बज के बारह मिनट पे नहीं शुरू होती है तो ये, रुबी, तो ये प्रकाश लिखा हुआ है यहाँ पे मुझे तो रूबीना दिलाए याद है इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूँगी या हो सकता है कि उसके बाद एक और हुआ आई एम नॉट वेरी अपडेटेड रुबीना दलाइक ने जीता था मुझे जहाँ तक याद है तो आप एक बार इसको कंफर्म कर लीजिएगा ठीक है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं क्या पता आ जाए हाँ जब बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा भी आ जाते हैं आप लोग भी थोड़ा चेयरअप हो जाइएगा प्रकाश नहीं जीता है ठीक नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेम ट्वेंटी फोर सेवन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेम ट्वेंटी फोर सेवन ये ऋतिक रोशन है ठीक है आपको लगेगा कोई प्लेयर है लेकिन नहीं गेम ट्वेंटी फोर सेवन के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं अच्छा हाँ फिर आप बताएं कि कौन सी आई पी एल टीम पहली आई पी एल टीम बन गई है जिस जो यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स नेक्स्ट ऑपरेशन खात्मा ऑपरेशन खात्मा एक किताब लिखा गया है ठीक है और ये ऑपरेशन खात्मा आपसे पूछा जा रहा है किताब किसने लिखा है तो ऑपरेशन खात्मा लिखने वाले कौन है तो इनका नाम है आर सी गंजू और अश्विनी भटनागर आर जी आर सी गंजू और हैज बिकम वर्ल्ड लीडिंग चिप मेकर बाय रेवेन्यू इन दो हजार इक्कीस तो चिप मेकर बनाने वाली कंपनी कौन सी हो गई है ये आप बताएंगे चिप बनाने वाली कंपनी है सैमसंग है ना चिप बनाने वाली कंपनी कौन सी है सैमसंग नेक्स्ट कितने प्लेयर को ऑक्शन किया गया आईपीएल में आईपीएल में इस बार 2022 में लिस्ट में 590 प्लेयर्स थे 590 प्लेयर्स ठीक है देखिए जिनका भी एग्जाम शिफ्ट्स में है ना तो वो कभी कभी ना कुछ कुछ भी क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि जब शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो करंट अफेयर्स बहुत सारे देने होते हैं तो हो सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आ जाए पता है तो बहुत अच्छी है टिक कर दीजिए यहाँ पे पढ़ने के बाद मैक्सिमम क्वेश्चन पता ही होंगे नहीं पता है तो आप स्किप कीजिए नेगेटिव मार्किंग नहीं करना है ठीक है ओके करेंटली हाउ मेनी इंडियन साइट्स आर लिस्टेड इन यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ हेरिटेज साइट्स तो इंडियन साइट्स अभी फोर्टी सिक्स हैं ठीक है टेंटेटिव का मतलब होता है कि आने जाने वाले समय में ये बन सकते हैं यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में ठीक है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर इसके लिए कौन से इंडियन एथलीट को सम्मानित किया गया पहले तो नॉमिनेट किया गया अब सम्मानित कर दिया गया है नीरज चोपड़ा को नीरज चोपड़ा नेक्स्ट हु हैज ओवरटेकन बेंगलुरु एज स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया तो पहले बेंगलुरु था हमारा राजधानी जो कि स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया था ठीक है अब कौन सा है सिटी द सिटी इज दिल्ली दिल्ली में अब सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू हो चुके हैं है ना कहाँ पे शुरू हुए गाइस तो ये दिल्ली है दिल्ली में सबसे ज्यादा स्टार्टअप को स्टार्ट किया गया है ओके डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए चीफ कौन है बहुत स्लो आंसर दे रहे हैं आप लोग ऐसे थोड़ी याद होगा करंट अफेयर्स डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के जो चीफ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ हैं जी ए वी रेड्डी जी ए वी रेड्डी चीफ हैं। मैस्कॉट कौन है पंजाब इलेक्शंस का तो पंजाब इलेक्शन हुआ है जहां भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर है आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल की इसका मैस्कॉट है शेरा ठीक है पंजाब का मैस्कॉट है शेरा और सवज कहाँ का मैस्कॉट है सवज तो सवज जो है ये नेशनल गेम्स जो गुजरात में हो रहा है लायन का बच्चा सवज गिर नेशनल फॉरेस्ट है ना तो गिर नेशनल पार्क तो सवज जो है वो इस बार नेशनल गेम्स का मैस्कट है ट्रेन कन, कनेक्टिविटी यानी मालगाड़ी से कनेक्ट करने वाला पहली बार मालगाड़ी जाएगा कहाँ तक तो ये जाएगा आपका मणिपुर तक नेक्स्ट सर्जियो मटारेला मेटारेला से वो मैगरेटा पिज्जा नहीं आदा रहे है और पिज्जा तो इटालियन लोग खाते है ना वयम रक्षकम वी प्रोटेक्ट हम क्या करते हैं हम प्रोटेक्ट करते हैं तो आप बताएंगे कि व्यम रक्षकम तो we protect है ये कौन से आर्म फोर्सेस का थीम है थीम पता होना चाहिए आज बहुत कम उपस्थिति है स्टूडेंट्स की क्या बात हो गया लाइक एंड शेयर द सेशन सबको बताओ यहाँ पे कितना इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है तो ये आई सी जी का सी uh, जी का है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड का है वयम रक्षकम वी प्रोटेक्ट नेक्स्ट लूनार न्यू ईयर लूनार न्यू ईयर तो देखिए ये जो लूनार कैलेंडर है आप लूनार मतलब होता है बेसिकली मून ठीक है तो ये जो कैलेंडर है इस बार हर बार ना कैलेंडर का स्टार्ट ऑफ ईयर में एक एनिमल होता है तो ये कौन सा है इस बार टाइगर है ठीक तो है टाइगर द ईयर ऑफ टाइगर तो 2022 है द ईयर ऑफ टाइगर अभी हमारे देश में रामसर साइट्स हो गए हैं बहुत सारे रामसर डे दो फरवरी को मनाया जाता है और ये आप याद रखेंगे कि रामसर एक जगह है ईरान में और यहाँ पे जो वेटलैंड होते हैं वो वेटलैंड जो कि थोड़े अब इम्पॉर्टेंट हैं और इनको प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है तो भारत में टोटल सेवेंटी फाइव सेवेंटी फाइव अनाउंस हो चुके हैं इस साल बहुत सारे अनाउंस हुए सेवेंटी फाइव हो गए अब फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड फ्लाइंग बोट द जेट विल बी लॉन्च डेट तो जेट यानी कि फ्लाइंग बोट है और इसका नाम रखा गया है द जेट तो इसको कहां पे लॉन्च किया गया है इसको लॉन्च किया गया है दुबई में ठीक है फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड है फ्लाइंग बोट द जेट दुबई आत्मनिर्भर भारत फॉर डिजाइन ए का फुल फॉर्म क्या है एनी कैन डांस नहीं आत्मनिर्भर भारत फॉर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन तो ये कहाँ पे बनेगा ये रेड फोर्ट में बनेगा रेड फोर्ट में बनेगा आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुपर कंप्यूटर परम परम प्रवेगा प्रवेग बेसिकली प्रवेग का सुपर कंप्यूटर एक है सुपर कंप्यूटर का स्पीड फ्लॉप में होता है आपने बताना है ये कितना पेटाफ्लॉप है ये थ्री पॉइंट थ्री है थ्री पॉइंट थ्री पेटाफ्लॉप नेक्स्ट हुज बिकम द फर्स्ट द थर्ड इंडियन द थर्ड इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन आई सी सी अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप तो इस बार भारत ने फिर से अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप जीत लिया है और यश धुल है यश धुल इन्होंने ये थर्ड इंडियन बने हैं जिन्होंने अंडर नाइनटीन वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाया है जिन्होंने भी अभी तक सेंचुरी बनाया है उनका करियर बहुत अच्छा बनाया है उन्मुख चंद का तो आपको पता ही है थोड़ा हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखेंगे हाउ मेनी इंडियन एथलीट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन विंटर ओलंपिक्स तो समर ओलंपिक्स हुआ टोक्यो में और यहाँ पे तो बहुत सारे एथलीट ने पार्टिसिपेट किया लेकिन विंटर ओलंपिक्स हुआ बीजिंग में और यहाँ से सिर्फ एक एथलीट गए थे ठीक है आरिफ मोहम्मद खान इनका नाम है और आरिफ मोहम्मद खान जी क्या करते हैं ये स्कीइंग करते हैं तो बर्फ पे खान जी जो हैं वो स्कीइंग करते हैं नेक्स्ट आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ऑफ क्रिकेट अवार्ड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड आईसीसी से किसको सम्मानित किया गया है ये मिकेल है, किस कंट्री के लिए खेलते हैं ये आप बताइएगा नेक्स्ट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट तो एग्जैक्ट कितना है वो आपको पता होना चाहिए वो हमको बताइएगा कमेंट सेक्शन में परसेंट होना चाहिए लेकिन हम करीबन अभी चौबीस परसेंट के ही आसपास हैं, है आस पास ओनली नेक्स्ट भारत का पहला सीजन स्टाइल बुक टाइटल द क्लास ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंट टू थाउजेंड एंड सिक्स द क्लास ऑफ टू थाउजेंड एंड सिक्स ये किताब लिखी गई है आकाश कंसल द्वारा आकाश कंसल द्वारा द क्लास ऑफ 2006 किताब लिखी गई है नॉर्दर्न कमांड ऑफ आर्मी के चार्ज कौन बन गए हैं नॉर्दर्न कमांड के इंचार्ज उपेंद्र द्विवेदी जी बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी नॉर्दर्न कमांड नेक्स्ट गांधी मंदी राम गांधी मंदी राम श्रीमती वनम कंस्ट्रक्टेड इन शि काम ठीक है तो देखिए गांधी जी पे मंदिर बना है गांधी जी की मंदिर बनी है स्मृति वनम और ये कहाँ पे बनी है ये बनी है आंध्र प्रदेश में कहाँ बनी है गाइज आंध्र प्रदेश में बनी है नहीं बिल्कुल कोई बफरिंग नहीं है वेरी स्मूथ क्लास चल रही है आपकी है तो आप एक बार प्लीज और रिफ्रेश कर लीजिए या फिर वापस जाके वापस आ जाइए ठीक है चले नेक्स्ट विच स्टेट इज लाइकली टू होस्ट द आई पी एल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू कौन से स्टेट में आई पी एल दो हजार बाईस होने वाला है ये है महाराष्ट्र आईपीएल 2022 कहाँ होने वाला है महाराष्ट्र में होने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि होशंगाबाद का नाम बदल दिया जाएगा होशंगाबाद का नाम हो जाएगा नर्मदापुरम होशंगाबाद का नाम हो जाएगा नर्मदापुरम नेक्स्ट सेकेंड हाइएस्ट फ्लैग देखिए सबसे ज्यादा तो जम्मू एंड कश्मीर में हो गया और सेकेंड हाइएस्ट जो है अरुणाचल प्रदेश लेकिन हाईएस्ट कहाँ हुआ अरुणाचल प्रदेश में फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया बुलेट ट्रेन बिकम इन तो भारत का बुलेट ट्रेन फर्स्ट स्टेशन कहाँ बना है बुलेट ट्रेन का गाइज बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन सूरत में बना है और सूरत में स्लैग स्टील का रोड भी बना है यानी स्टील को बनाने के टाइम में जो भी स्लैग निकलते हैं जिसका हमें यूज नहीं होता है तो स्लैग से रोड बना है सूरत में नेक्स्ट क्विच क्रिकेट टीम बिकम द फर्स्ट टीम इन द वर्ल्ड टू प्ले थाउजेंड ओ डी आई तो ओडीआई खेलने खेलने का ये हजारवां ओडीआई था और भारत का था तो भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने थाउजेंड ओ डी आई सबसे पहले कंप्लीट किया ठीक है नेक्स्ट यस हर्षद गौतम आप कह रहे हैं कि बफरिंग है लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है हाँ जी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड सेशन को लाइक कौन करेगा यार देखिए झांकियां निकलती है ना तो रिपब्लिक डे में बेस्ट झांकी उत्तर प्रदेश को मिला झांकी ठीक है ओके फिर बताएंगे कि झांकी जो निकली सबसे पॉपुलर झांकी कहाँ की थी सबसे पॉपुलर झांकी महाराष्ट्र की थी मैंने बहुत बार बताया यहाँ पे स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड स्टेट फ्लावर सब कुछ बताया गया ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट दो हजार इक्कीस हाइएस्ट नंबर ऑफ जर्नलिस्ट अटैक तो जर्नलिस्ट अटैक सबसे ज्यादा यानी कि यहाँ पे पत्रकार पर हमला तो जम्मू कश्मीर में हुआ जम्मू कश्मीर में होता है ना ठीक है ठीक है मैम आपने दो आईपीएल दो बोला वैसे 2023 में होगा आईपीएल महाराष्ट्र में yes, ट्रायलॉजी ट्रायोलॉजी होता है यानी कि तीन किताब जैसे कि अमीश त्रिपाठी जी ने किताब लिखी थी शिवा है ना तो वो मेलुआ का था मेलुआ नागा और वायुपुत्रा तो ट्रायोलॉजी जे जे साई दीपक ने लिखा है जे साई दीपक ने ट्रायोलॉजी इंडिया दैट इज भारत आर्टिकल नंबर वन क्या कहता है आर्टिकल नंबर वन कहता है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आर्टिकल नंबर टू कहता है कि अगर आपको और कोई चीज़ को ऐड करना है जैसे कि सिक्किम को ऐड किया गया आर्टिकल नंबर थ्री कहता है कि अगर आपको री एडजस्टमेंट करना है या नए स्टेट को एडमिट करना है या नाम बदलना है जैसे कि तेलंगाना का नाम बदला गया या उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बिहार से झारखंड या और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाला गया आर्टिकल नंबर फोर कहता है कि टू और थ्री में अगर कोई चेंज करना है तो वो आर्टिकल नंबर फोर के तहत होगा ठीक है पांडू फेस्टिवल धार डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है धार डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का है पांडू फेस्टिवल धार डिस्ट्रिक्ट में निन्यानवे मिलियन ईयर ओल्ड फ्लावर निन्यानवे मिलियन नाइनटी नाइन मिलियन ईयर्स नाइनटी नाइन मिलियन ईयर्स एक मिलियन दस लाख होता है तो ये फ्लावर कहाँ पे मिला ये म्यांमार में मिला म्यांमार में 99 मिलियन ईयर ओल्ड फ्लावर मिला गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ये किताब लिखी गई है नवदीप सिंह गिल द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नेक्स्ट वर्ल्ड कैंसर डे का थीम क्या रहा इस बार ये आप बताएंगे वर्ल्ड कैंसर डे का थीम रहा क्लोज द केयर गैप क्लोज द केयर गैप, नेक्स्ट सीबीएसई देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चेयरमैन कौन बन गए हैं सारे क्वेश्चन मैंने फिल्टर करके आपके लिए इंपॉर्टेंट ही निकाला है ठीक है ये विनीत जोशी बने जोशी जी सीबीएसई के चेयरमैन बन गए हैं विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अलाउ ऑपरेशन ड्रोन इन सिविल सिविलियन एयर स्पेस तो यानी अभी तक सिविलियन जगह पे ड्रोन नहीं चल सकता था लेकिन इसराइल में अब ड्रोन चल सकता है एफ एम सी जी फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड तो हैज बिकम प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल जो फास्ट मूवेबल होता है ना जैसे आप लोग ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं या कोई भी कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ले का खा रहे हैं डाबर का खा रहे हैं आई टी सी हिंदुस्तान लिवर यूनि तो ये अब कह रहा है कि हम प्लास्टिक वेस्ट को न्यूट्रल करेंगे ये डाबर है डाबर ठीक है yes. यस काला राम रामचरण काला रामचंद्र ये अपॉइंट हुए हैं ये अपॉइंट हुई हैं। इस सिटी की पहली विमेन पुलिस कमिश्नर ये शहर कौन सा है, है गुरुग्राम तो गुरुग्राम में गुरुग्राम थोड़ा बहुत नाम भी है विमेन क्राइम को लेकर तो अब यहाँ पे विमेन पुलिस कमिश्नर बन चुकी हैं, इनका नाम है काला राम चंद्रन ओके मेदाराम जात्रा मेदाराम जात्रा जगन्नाथपुरी जी का यात्रा ये होता है कहाँ पे ओडिशा में मेदाराम जात्रा तेलंगाना में ठीक है भारत ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर दिया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पीट को हैंड ओवर करने के लिए तो ये गेहूं देने वाले हैं अफगानिस्तान को अफगानिस्तान को भारत गेहूं देने वाला है ओके खादी ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑफ बिहार तो बिहार में खादी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मनोज तिवारी ठीक है मनोज तिवारी बिहार के खादी ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं मनोज तिवारी गाना गाते हैं बीजेपी के मतलब कार्यकर्ता भी हैं नेशनल वीमेंस डे नेशनल वीमेंस डे कब होता है वर्ल्ड इंटरनेशनल तो आठ मार्च को होता है तेरह फरवरी को नेशनल वीमेंस डे भी होता है थर्टींथ ऑफ फेबर नेक्स्ट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेडियो डे वर्ल्ड रेडियो डे का थीम क्या है गाइस आज हम बहुत तुम लोग से वो गए परेशान एकदम ही सुस्त परफॉर्मेंस 200 स्टूडेंट ने तो अभी तक लाइक नहीं किया है सेशन को और मजा नहीं आ रहा है आई एम नॉट गेटिंग दैट एनर्जी दैट जोश दैट वाइब कि एकदम एग्जाम फोड़ के ही रखना है फेबररी के करंट अफेयर्स याद ही कर जाने हैं जनवरी के याद हो चुके हैं अच्छा एक बात बताओ कल जनवरी के इतने सारे क्वेश्चन हमने किए मैंने आपको पी भी दे दिया याद हुए क्वेश्चन हाँ बताओ विनोद क्वेश्चन याद हो गए वर्ल्ड रेडियो डे है रेडियो एंड ट्रस्ट तो रेडियो पे हम ट्रस्ट करते हैं रेडियो पे बात सुन के जैसे आप मेरी बात सुन के मुझ पे ट्रस्ट करते हैं आपकी गलत फहमी है हम सुस्त नहीं है ओके दैट इज द जोश कल मैंने एक uh, मैं सुन रही थी स्टैंड अप कॉमेडी टाइप तो उसमें कहा गया बोल रहा है जब तक स्टूडियो से नहीं पढ़ाएंगे तब तक लाइक नहीं करेंगे अच्छा तो दिवाली के बाद लाइक कीजिएगा फिर तो उसमें कहा गया कि जब तक इंसल्ट नहीं होता है ना लोग परफॉर्म नहीं करते हैं तो मैं भी सोच रही हूँ कि तुम लोग को बोलूँ कि देखो तुम लोग का अब हो गया टाइम ठीक है बहुत सुस्त हो कि तुम लोग पढ़ चुके हो आराम आराम से अब जॉब लेने का टाइम है है ना चले बढ़िया अच्छा ई आई यू ई आई यू डेमोक्रेसी इंडेक्स तो बेसिकली एक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है और ये कहता है कि भारत में डेमोक्रेसी बड़ा कम है तो भारत का डेमोक्रेसी पता नहीं क्यों कह रहा है मैं फास्ट हूँ ये भगवान कल का क्लास देखना फिर तुम क्या बोलोगे कि सूरत का बुलेट ट्रेन जो है यहीं पे आ गया है तो ये फोर्टी सिक्स रैंक है फोर्टी सिक्स रैंक है यानी ये कह रहा है कि भारत डेमोक्रेटिक नहीं है लोकतंत्र नहीं है देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र चले नेक्स्ट नितिन गडकरी जी ने फोर्टीन पॉइंट फाइव किलोमीटर का रोड कम रेल ठीक है तो रेल कम रोड गंगा नदी पे बनाया है बिहार में बनाया गया है बिहार में देख के आए हम तो इसमें रोड भी चलेगा और रेल भी चलेगा दीघापुर नेक्स्ट क्यू दरबार हॉल ये इनोग्रेट किया गया है रामनाथ कोविंद द्वारा रामनाथ कोविंद ने इसको मुंबई में किया है इनोग्रेट क्यू दरबार हॉल रामनाथ कोविंद ने ये किया है मुंबई में फास्ट तो नहीं है ना सेशन पसंद आ रहा है कोई प्रॉब्लम है फास्ट है तो बताओ तो, है तो बताओ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं है ना ठीक है एनवायरनमेंट में 180 में 180 है एक्सेलेंट एच में 132 है और हैप्पीनेस में 136 है नीरज कुमार बहुत बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन कमेंट सेक्शन में बोल रहे बहुत स्लो है अच्छा अभी बताते हैं तुमको हम तो देखो नेम ऑफ फिफ्थ एंड फाइनल देखिए Uh, एक प्रोजेक्ट था ठीक है तो इसमें कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल प्रोजेक्ट में सक्षम बना पांचवा और आखिरी वेसल सक्षम ठीक है ओके नेक्स्ट इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग हॉरिजन पे किताब लिखी गई है किसने लिखा है राजीव भाटिया ने देखो ये येलो कलर से से हाईलाइट करते हैं ना तो अचानक दिमाग में चमक जाएगा ध्यान से देखते रहना एग्जाम में भी भले नहीं पता होगा नहीं याद आएगा लेकिन ऑप्शन देख के चमक जाएगा अफ्रीका और इंडिया के रिलेशन पे किताब इन्होंने लिखा है नोबेल प्राइज विनिंग फ्रेंच साइंटिस्ट ल्यूक का निधन हो गया है तो कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आ, इसको किसने डिस्कवर किया तो ल्यूक मोन्टेगिन ने एच वायरस को एच वायरस को डिस्कवर किया ठीक है एच वायरस को इन्होंने ही डिस्कवर किया अब 89 साल में इनका निधन हो गया है इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इंडियन एयरफोर्स विल शो केस एयरक्राफ्ट इन सिंगापुर एयर शो तो ये एल तेजस है एल तेजस को भारत लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस को सिंगापुर एयर शो में भारत का एयरफोर्स यहाँ पे शोकेस करेगा रिसेंटली द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ बजाज ऑटो पास अवे तो जो फॉर्मर चेयरमैन है बजाज ऑटो के इनका नाम है राहुल बजाज इनका निधन हो गया नेम ऑफ द देखो हम ना तुम लोग को याद कराने के लिए बोल रहे हैं अब ये मत बोलना कि मैम इतना सैड न्यूज भी आप इतना अच्छे से बोल रही हैं है ना याद कराने के थोड़ा थो जोर से ही बोलना होता है ठीक yeah, है चलें तो अब नेक्स्ट आप देखें कि वॉट इज द स्कीम फॉर द सेंटर फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर तो ये याद रखेंगे ये स्माइल है और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट जो है हमारा मिनिस्ट्री उसने स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया है जो भीख मांगते हैं जो बेगर है उनका कल्याण करने के लिए भिखारियों के और ट्रांसजेंडर समुदायों का समुदाय का कल्याण करने के लिए ठीक so yes, है नेक्स्ट क्विच बैटिंग कोच ऑफ आई पी एल टीम तो आई पी एल टीम पंजाब किंग्स के रिजाइन कर दिए हैं इनका नाम है वसीम जाफर वसीम जाफर जी ने रिजाइन कर दिया है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिविंग एंड एंटरप्राइज यस आर्मी लवर मैंने आपको पहले बता दिया था इसको एक्सीलेंट बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना बहुत बेहतरीन इनपुट देते हैं क्लास में ठीक है ठीक है ठीक एक्सीलेंट तो ये वसीम जफर ने रिजाइन कर दिया है ओके okay. नन्ना शैले नन्ना कुडोगे एक ऐप है टू हेल्प स्कूल्स। तो स्कूल को और बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए ये कहा है कर्नाटका में इस ऐप को अभी इनोग्रेट किया गया है हाँ ठीक है थैंक यू अमृत नेक्स्ट आप देखें एम्बेसडर ऑफ कृषि नेटवर्क कंपनी तो कृषि नेटवर्क कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पंकज त्रिपाठी पंकज त्रिपाठी अभी याद रखेंगे कि ये जो मतदाता है ना यानी वोटिंग जो हम करते हैं उसके भी इनको बनाया गया है नेशनल आइकन जैसे अमिताभ बच्चन दो बुंद जिंदगी पोलियो के थे वैसे ही थर्ड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इज बींग बिल्ड तो क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जयपुर में तीसरा सबसे बड़ा अगला है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल्स 2022 भारत ने जीता है लता मंगेशकर जी का निधन हो गया इनका असली नाम हेमा मंगेशकर था स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये बना है आप बताएंगे उनका नाम भी बताइए कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसके लिए बना है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी किसके लिए बना है ये बना है हैदराबाद में हैदराबाद में स्टैचू लिबर इक्वालिटी बना है अब जल्दी से बता दीजिए कि इसको तो मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है वो तो ठीक है किन के नाम पे श्री आगे बताइएगा ठीक है स्वराजेबिलिटी एप स्वराजेबिलिटी एप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड जॉब रिसर्च है तो ये जॉब सर्च आईटी हैदराबाद करेगा जॉब सर्च आईटी हैदराबाद करेगा स्वराजेबिलिटी बिल्कुल बिल्कुल एक्सिल राम रचना रावत का आंसर आया आर्मी लवर का आंसर आया है है ना बोल आप थोड़ा फास्ट हो रहे हैं आप तो कभी बोलो मतलब तुम लोग ना वैसे ट्रीट करते हो जैसे हम लोग पहले नहीं रेडियो में ऐसे एक वॉल्यूम बटन होता था आगे पीछे इस तरह से आप ज्यादा कम ज्यादा कम हो आप फास्ट हो रहे फास्ट हो रहे फास्ट हो रहे अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ इंडिगो इंडिगो आप जानते जहाज की कंपनी है राहुल भाटिया इनका नाम है अवतार देखो एक सुपर हीरो तो बेसिकली ग्राफिक नोवेल बनाया गया है और ये धोनी का है सुपर हीरोक्स्ट के वी आई सी खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन द खादी सर्टिफिकेशन ऑफ इट्स ओल्डेस्ट खादी इंस्टीट्यूशन तो खादी इंस्टीट्यूशन जिसका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो गया है ये मुंबई का है मुंबई का सर्टिफिकेशन कैंसिल कर दिया गया है नेक्स्ट आप बताएं पांच लाख कोविड नाइनटीन डेथ 5 लाख कोविड 19 डेथ वर्ल्ड थर्ड टू क्रॉस द लिमिट तो ये किस कंट्री में हुआ ये इंडिया में हुआ भारत में बहुत ज्यादा कोविड नाइन्टीन से निधन हुआ है परम शिक्षालय परम शिक्षा तो ये ओपन एयर क्लासरूम अब शुरू होगा ऐसे रूम में बंद होके नहीं पढ़ेंगे बाहर इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे तो ये वेस्ट बंगाल में शुरू होगा ठीक है वेस्ट बंगाल मुझसे बताने से पहले बहुत लोग आंसर दे रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है जब इतने फास्ट कॉम्पिटिटिव स्पीड में भी आप आंसर देते हैं जब आप इस लायक हैं तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है नेक्स्ट हाँ। आप बताएंगे कि इकुशे पदक इक्ुशे पदक चौबीस एमिनेंट पर्सन को मिला है ये बांग्लादेश रिसेंटली चौबीस एमिनेंट लोगों को बांग्लादेश में यह पदक मिला है राजीव गांधी ग्रामीण भूमि कृषि मजदूर न्याय योजना ये छत्तीसगढ़ में देखिए जब भी राजीव गांधी जी या इंदिरा गांधी जी के नाम पे होगा तो छत्तीसगढ़ या या राजस्थान होगा क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहीं पे है राजीव गांधी जी के नाम पे अब फिर से खेल रत्न और ये हो गया क्योंकि कहाँ राजस्थान में हुआ ठीक है क्योंकि नेशनल वाला जो है वो अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे हो गया फाउंडेशन स्टोन ऑफ बॉर्डर हार्ट तो बॉर्डर हार्ट हम करते हैं बांग्लादेश के साथ टेक्नोलॉजी पार्क तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में आईटी सेक्टर मेघालय में बना है चाइना अलोंग विद विच कंट्री डिकलेयर्ड नो लिमिट पार्टनरशिप टू कोलैबोरेट अगेंस्ट वेस्ट तो ये देखिए कोलैबोरेट अगेंस्ट वेस्ट नो लिमिट पार्टनरशिप ये है रशिया के साथ नो लिमिट पार्टनरशिप टू कोलैबोरेट अगेंस्ट वेस्ट वेस्ट यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री विच स्टेट हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अथर एनर्जी ताकि हजार फास्ट फास्ट चार्जिंग लगेगा तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल दो व्हीलर के लिए ये कर्नाटका में लगेगा कर्नाटका और अथर एनर्जी ने कोलाबरेट किया है विंटर ओलंपिक्स का थीम क्या है देखो ये के में भी पूछा गया था टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर टुगेदर ये विंटर ओलंपिक और ये जो फास्टर हायर स्ट्रॉगर एंड टुगेदर है समर ओलंपिक का ठीक है ओनली इंडियन एथलीट टिंग सेमनी देख बताने के बाद आंसर बताते जाओ वर्णा याद कैसे होगा रिमेंबरिंग दंसर्स यू नीड टू टेल मी दफ्ट आइफ टोल्ड यू दिखें कि द ओनली एथलीट तो आरिफ मोहम्मद खान है बाटा की ब्रांड एम्बेसडर दिशा पट्ट पटानी है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस यूएई में होता है ठीक है यस नेक्स्ट क्वेश्चन मुकेश अंबानी एशिया के रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं अब इस इसके आगे बन गए हैं कौन तो यह है गौतम अडानी नेक्स्ट लार्जेस्ट इग्लू कैफे तो बर्फ से बना हुआ है बर्फ से जो घर बनते हैं उसको इग्लू कहते हैं गुलमर्ग में बना है गुलमर्ग में इग्लू कैफे बना है एशिया इंडिया का स्कोर क्या है ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स में सिक्सटी थर्ड सिक्सटी थर्ड है भारत का स्कोर ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया उत्तराखंड के इनका नाम है अक्षय कुमार अक्षय कुमार को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है चार सौ टेलीकॉम टावर फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड टेलीकॉम फोर थाउजेंड सॉरी एक जीरो छोड़ दिया हम. फोर so, थाउजेंड ये ओडिशा में बनेगा ठीक है आहत आहत जो है ये बेसिकली ह्यूमन ट्राफिकिंग तो इंसान के तस्करी को खत्म करने के लिए किया जाएगा मेरा नाम नहीं पता अभी तक कीर्ति पांडे नेक्स्ट so, तो so, ये है रेलवे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आहत ताकि लोगों के तस्करी को इंसान के तस्करी को खत्म किया जाए विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर कौन बन गए हैं उन्नी कृष्णन नैयर नय, ठीक है नेक्स्ट कबीर ऑफ कर्नाटका इब्राहिम सुतार जी का निधन हो गया है कहाँ के हैं तो कर्नाटका के ही हैं एन डे सत्ताईस फरवरी को होता है और नेशनल यूम्यूनाइजेशन डे 27 फरवरी को होता है इम्यूनाइजेशन यानी कि ऐसी दवाई लेना जिससे आगे जाके रोग ना हो साइंस डे 28 फरवरी को होता है रेलवे इंडियन रेलवे सोलर पावर ये कहाँ बना ये मध्य प्रदेश में बना सोलर पावर से इंडियन रेलवे बेसिकली सोलर पावर प्लांट बना रहा है मध्य प्रदेश ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने यूक्रेन से भारतीयों को निकाला नि, नि, हाँ ओके okay. निष्कर्ष सदन ये डिग्रेडिंग म्यूजियम है विशाखापट्टनम में निष्कर्ष सदन नेक्स्ट हेमानंद विश्वल निधन हो गया 82 इयर्स में कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं हु इज स्लेटेड टू बिकम द वर्ल्ड नंबर वन टेनिस प्लेयर देखिए 361 वीक्स के लिए ठीक है तो ये थे कौन हाँ तो उनके उतने दिन के लिए थे बेसिकली आपको अभी आगे पता चलेगा 361 वीक के लिए और उनको हरा के डैनियल मेंडेवे ने बन गए तो नोवाक जोकोविच 361 वीक्स के लिए थे और अब उनको हराकर डैनियल मंडेवे वर्ल्ड नंबर वन बन चुके हैं ओके ओम ओम्बर्ट्समैन ऐप यानी कि जनता को अगर कोई भी दिक्कत है तो वो इनसे बात कर सकती है इसको इनोग्रेट किया है किसने गिरिराज सिंह ने ओम्बर्ट्समैन का मतलब वो है एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे ग्रिवेंसेज को रिड्रेस करेगा मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा फिर आप बताएंगे कोविड नाइन्टीन वैक्सीन का सर्टिफिकेट किस देश को मिला है कि यह प्लांट से बना रहा है कोविड नाइन्टीन वैक्सीन कैनेडा को मिला है कैनेडा जो है प्लांट से बना रहा है टी टू एच डायरेक्ट टू होम के ब्रांड एम्बेसडर ऋषभ पंत बन चुके हैं ऋषभ पंत फोटो देखा होगा आपने हाइएस्ट रन स्कोर टी ट्वेंटी में यह है रोहित शर्मा शर्मा जी का बेटा आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है ना तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अगर आपने किसी चीज का आविष्कार कर दिया है तो भारत को फोर्टी थर्ड स्थान मिला इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट राइट में कुछ स्टेट कैबिनेट अप्रूव इंडिया इको पार्क दिल्ली में बनेगा क्विच फीमेल क्रिकेटर विल बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर जिन्होंने 26 बॉल में 50 रन बना लिया रिचा घोष घोष मन में सोच लो अगर कहीं फास्ट लग रहा है ना तो कम से कम आंसर मन में सोच लो ओके okay, नेक्स्ट धर्म गार्जियन एक्सरसाइज किस कर, आ, हम करते हैं जापान के साथ कहाँ पे हुआ है इस बार ये याद रखेगा जापान के साथ इस बार कर्नाटका में हुआ है प्रधानमंत्री किसान योजना स्कीम जो है तीन साल हो गए 2019 में ये लॉन्च हुआ था नेशनल वॉर मेमोरियल का तीन साल हो गया पच्चीस फरवरी को लॉन्च किया गया था फिर आप बताएंगे कि काउस स्लॉटर पे बैन करने के लिए कहाँ के हाई कोर्ट ने अभी अभी अपना जजमेंट दिया है तिरुपुरा तिरुपुरा में काउस स्लॉटर बैन आईपीएल 2022 टूर्नामेंट कब से स्टार्ट होगा 26 मार्च स्टार्ट हो चुका है है ना नेक्स्ट इस बार सब इस बार कौन सी टीम जीती गाइस ये बताओ फिर आप बताएंगे कि किसने जीता गोल्ड सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल दो हजार बाईस मीराबाई चानू मीराबाई चानू मैक एंड जॉक में एक्सपर्ट नेक्स्ट रोज फेस्टिवल एनुअली हम मनाते हैं तुम लोग तो तुम लोग भी मनाते हो रोज फेस्टिवल मुझे पता है फेबर का महीना है तो चंडीगढ़ में बनता है ये रोज फेस्टिवल ग्यारह नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स तो ये शुरू हुआ है मध्य प्रदेश में नितिन गडकरी ने शुरू किया है कार्लोस कार्लॉस ये लॉन टेनिस खेलते हैं ए टीपी फाइव हंड्रेड विनर ये कहाँ के हैं स्पेन के हैं कार्लोस कैरलॉस नहीं कार्लोस आई गेस एफ वन रेसिंग खेलते हैं ना जल्दी से बताओ तो देखो टीचर कंफ्यूज है बैडमिंटन खेलते हैं कि एफ वन रेसिंग खेलते हैं कि लॉन टेनिस खेलते हैं कि कैरम बोर्ड खेलते हैं ये कैरलॉस कार लॉस मुझे याद है मैं ये इसलिए कर रही हूं कि मैंने एक बार आपको बताया था कार लॉस हाँ ठीक है जन भागीदारी एनवायरनमेंट पोर्टल आंसर मिलेगा ना ओके आ रहे आंसर्स ठीक है ठीक है जन भागीदारी इम्पावरमेंट पोर्टल जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है अगर किसी को जॉब चाहिए वो यहां पे इनरोल कर सकते हैं ओके okay, गाइस तो ये थे फेबर मंथ के करंट अफेयर्स होपफुली आपको मजा आया होगा और गारंटी फरवरी में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे मैंने देख लिया था अच्छे से एग्जामिन करके 500 क्वेश्चन को छाट के मैंने इतने क्वेश्चन निकाले हैं और गईस बारह अक्टूबर यानी कि कल से शुरू होने वाला है सी आई हेड कांस्टेबल का बैच और हेड कॉन्स्टेबल का फायरमैन का बैच और साथ ही साथ बी एस एफ और आर ओ आर एम का तो BSF, और आर ओ आर एम का होने वाला है जल्दी से कूपन कोड वाई तीन सौ बत्तीस भी सी डी एस भी बी एस एफ भी सी आई एस एफ भी आई टी बी पी असम राइफल्स और अग्निवीर अग्निवीर के बैचेस भी आ चुके हैं साथ ही साथ आप अगर डी आर डी ओ की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज डी आर डी ओ की तैयारी अगर आप करते हैं तो जल्दी से नॉन टेक के बैच में एनरोल हो जाइए नया नॉन टेक का बैच भी आ चुका है फोर्ड आपको पता है वाई तीन सौ बत्तीस ये सी बी टी वन टी आर वन के लिए आपको तैयार कर देगा सोच रहे हो कि सी बी टी वन के साथ सी बी टी टू की भी तैयारी करनी है तो डीआरडीओ सेप्टेम टेन का बैचेज है टीयर वन के साथ क्योंकि दस पंद्रह दिन में ही आपका टीयर टू भी हो जाएगा तो टीयर टू की भी तैयारी आप कर सकते हैं कोड आपको पता है यस yes, अगर सोच रहे हो कि एक महीने में कोई रैपिड रिविजन कोर्स मिल जाए तो वो भी अवेलेबल है और आप उसमें भी इनरोल हो सकते हैं अगर आपको चाहिए ई बुक्स तो आप ई बुक्स ले लीजिए सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए तो टेस्ट सीरीज भी ले लीजिए टेस्ट सीरीज के लिए कोड है वाई तीन सौ बत्तीस एस ठीक है वाई तीन सौ बत्तीस एस वाई थ्री थ्री टू एस और अगर आपको एक ऐसा पैक चाहिए जिसमें डी आर डी ओ हो एस एस सी जे ई हो टेस्ट सीरीज हो ई बुक्स हो सब कुछ एक साथ हो तो आप महापैक ले लीजिए चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग का हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का हो या फिर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का हो तो महापैक आप ले सकते हैं बस बहुत इजी प्रोसेस है क्या करना है कि आपको जाना है गूगल पे ठीक है तो गूगल पे जैसे ही आप जाते हैं तो गूगल पे जाते ही आपको एक सेकेंड अभी आपको शो कर देती हूँ फटाक से तो गूगल पे जाते ही आपने टाइप करना है अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन डॉट कॉम और इस पर आपको मिल जाएगा ये वेबसाइट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो देखो मैंने यहाँ पे फेवरेट में ऐड कर दिया है आप भी इसको ऐड कर लीजिए या फिर आप अड्डा ट्वेंटी फोर सेवन का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक से बोल रहे आपको तो रटा गया होगा मुझे रटा गया है आंसर्स भी रटा गए हैं बिल्कुल तो यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज में जाना है डिफेंस पे जाना है एफ कैट सी डी एस सी आई एस एफ बी एस एफ बी एस एफ जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप पे क्लिक करना है लेकिन बेस्ट पैक हमेशा पता है क्या होता है महापैक तो जैसे मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे डिफेंस में महापैक पे मैंने क्लिक किया महापैक पे जैसे ही क्लिक किया तो ये आ गया महापैक अब इसमें देखो यहाँ पे मेरे को टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा और ई बुक्स भी मिल जाएगा एफ कैट भी मिल जाएगा सी डी एस भी मिल जाएगा सी आर एस एफ भी मिल जाएगा सब कुछ एक साथ छह महीने का भी है बारह महीने का भी है तो अगर बारह महीने का का लेते हैं हम लोग तो एक साल के लिए सब कुछ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट और पता है इसमें एक और फायदा क्या होता है कि जो नए मैच आते हैं ना जैसे अभी अगर मान लो कि मैंने सोचा कि एक नया सा बैच लाना है स्पेशली अलग सेफ कैट का फिर से एक बैच तो है अलग से लाना है तो महापैक में वो ऑटोमेटिकली एड हो जाता है तो एक साल तक के लिए हमारे जितने भी कोर्सेज होंगे आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है महापैक में सब मिल जाएगा और Y332 कोड जैसे ही मैंने यूज किया देखो क्या होगा Y332 करके अप्लाई पे क्लिक करना है तो थ्री टू वन नाइन रुपीज में मुझे ये महापैक मिल गया एफ के आर्ट सी हर एक डिफेंस एग्जामिनेशन साथ ही साथ ई बुक्स और टेस्ट सीरीज सिमिलरली इंजीनियरिंग में भी सेम है महापैक है तीनों ठीक है और जैसे अभी डी चल रहा है और एस एस के बैचेज आ चुके हैं एस एस के बैचेज ऑलरेडी हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे ई e बुक्स भी चाहिए टेस्ट सीरीज भी चाहिए इतने सारे बैचेस चाहिए बहुत सारे बैंचज़ हैं है ना तो आपको बस पैक पे क्लिक कर देना है जैसे मान लो मैंने इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा या बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैं एस एस तैयारी कर सकती हूँ मैं एस एस जेई कर सकती हूँ वाई तीन कोड यूज़ कर लेना है आने वाला आर आर भी, भी इसमें ऐड हो जाएगा आपको फ्री का मिल जाएगा थ्री टू वन नाइन रुपीज़ का आपको ये मिल जाएगा अगर आप छः महीने के लिए यूज़ करते हैं तो आपको बस क्या कोड यूज़ करना है वाई तीन सौ बत्तीस और यहाँ पे आपको टू सेवन फाइव नाइन रुपीज का मिल जाएगा इसके बाद कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है और कोई और कोई बैच जो आपको स्पेशली चाहिए कि मुझे ये बैच चाहिए मैं फिर से बोल रही हूँ आज से बहुत सारे बैचेस कल से स्टार्ट होने वाले हैं तो आप उसमें आ जाइएगा आज ही ले लीजिए यस बोल रहे हैं आज ही महापैक लेना है आ, मेरी जो क्लासेस है ना नॉन टेक वाली तो एक जो इंजीनियरिंग के महापैक में आज उसका दूसरा दिन है तो अगर आप आज ले लीजिएगा तो कल वाला मैं आपको फटाक से रिवाइज करवा दूंगी ठीक है यस वरना आपको ना जितने क्लासेस छूटेंगे उसके रिकॉर्डेड क्लासेस देखने होंगे ऐसे तो हम लोग लाइव रहेंगे आपके डाउट्स को सॉल्व करने के लिए पर फायदा ये होगा कि आप जो है वो जल्दी ले लेंगे तो लाइव में आपको फायदा हो जाएगा गूगल की पार्ट हो गए हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है थैंक यू एवरी थैंक यू फॉर द सेशन ऑल द वेरी बेस्ट पढ़ते रहो और खुश रहो खुश रह के पढ़ना माइंड uh, हैप्पी रहेगा तो चीजें जल्दी याद होती हैं थैंक यू और हाँ कल मार्च का करंट